हेलो स्टूडेंट्स दिस इज डॉक्टर वी एस के रेड्डी एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स सिंपल हार्मोनिक मोशन इस चैप्टर में का फर्स्ट पॉइंट जो भी है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम एंड फेज इस टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में हमें 10 एम सी सॉल्व करने हैं हम ऐसे ही एम सॉल्व करेंगे जो ऑलरेडी किसी न किसी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं without wasting time let us start one by one first question the phase of a particle executing simple harmonic motion is pi by 2 ek particle hai jo simple harmonic motion execute kar raha hai अब एक इंस्टेंट पे उसका फेज जो भी है वो पाई by टू हो चुका है When it has maximum velocity मैक्सिमम एक्सेलरेशन मैक्सिमम एनर्जी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है जब उसका फेज़ हो चुका है तो सबसे पहले यहां पे हम उस को इमेजिन करते हैं इमेजिन दैट दिस इज दैट पार्टिकल विच इज फॉरफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अब इमेजिन कीजिए कि जो भी इंस्टेंट है उस वक्त पार्टिकल एक्सट्रीम पोजिशन पे है पार्टिकल का जो भी पाथ बनेगा जब वो एस एच एम कर रहा है सो दैट पाथ इज लाइक दिस वन ओके सो दिस वन इज अ मेन पोजिशन एंड दिस वन इज अ नेगेटिव साइड एक्सट्रीम पोजिशन अब जब भी एस एच एम स्टार्ट होता है हम जनरली मेन पोजिशन से स्टार्ट करते हैं अब मेन पोजिशन पे जो भी फेज होगा That is 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 to to y is equals to a a of omega t. So, omega t. t So phase. particle mean position पे होगा उस वक्त phase की value zero होना चाहिए Phase की value कितना होगा जीरो degree. जब particle यहां से लेके यहां तक जाएगा उस वक्त phase कितना चेंज होगा सो पाई बाय टू सो इस पॉइंट पे जब पार्टिकल आएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे तो उसका फेज हो जाएगा पाई बाय टू ओके सो इन दिस वे जीरो से लेके जब वो पाई बाय टू तक आ रहा है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे ही उसका फेज जो भी होता है उस पार्टिकल का इट्स अ पाई बाय टू अब ऐसी सिचुएशन अगर है तो फिलहाल की कंडीशन में पार्टिकल जो भी है वो एक्सट्रीम पोजिशन पे है अब एक्सट्रीम पोजिशन पे अगर हम बात करते हैं इन पैरामीटर्स की तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी की वैल्यू जो भी होता है इट इज अ जीरो ओके जो भी एनर्जी होता है दैट इज अ टोटल एनर्जी दिस टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट वो किसी भी पॉइंट पे उसकी टोटल एनर्जी सेम रहेगा जब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की तो एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पे ये मैक्सिमम होता है और डिस्प्लेसमेंट जो भी है ये भी मैक्सिमम होता है ओके okay? तो अब इस केस में जो भी पार्टिकल है एस एच एम कर रहा है उसका फेज जो भी है वो पाई बाय टू हो चुका है तो उस इसके हिसाब से पार्टिकल एक्सट्रीम पोजिशन पे तो एक्सट्रीम पोजिशन पे उसकी वेलोसिटी जीरो होगा एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो इन पैरामीटर को यहां पे अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकता है क्या आंसर इज दैट नॉट पॉसिबल मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है क्या The answer is that yes. पे रहेगा. होगा क्या नहीं एनर्जी होता है भले ही काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज होते रहेगा लेकिन टोटल एनर्जी जो होता है इट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट सो ऑप्शन नहीं हो सकता मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा तो इस केस में इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन करेक्ट है मैक्सिमम एक्सेलरेशन एंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सो ये था फर्स्ट क्वेश्चन इसी तरह अब हम सेकंड क्वेश्चन यहां पे देखते हैं अ पार्टिकल स्टार्ट एसएचएम फ्रॉम द मेन पोजीशन ओके सो मेन पोजीशन से एसएचएम स्टार्ट हो रहा है इट्स एम्पलीट्यूड इज ए एंड टाइम पीरियड इज टी एट द टाइम वेन इट्स स्पीड इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड इट्स डिस्प्लेसमेंट बाईज ओके तो सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसके बेसिस पे यहां पर हम लिख सकते हैं कि पार्टिकल का जो भी एस एच एम है वो मेन पोजिशन से हम कंसिडर कर रहे हैं सो देअ वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा ये जनरल इक्वेशन आएगा इक्वेशन ऑफ एस एच एम ओके

एट द टाइम वेन इट्स मैक्सिमम स्पीड अब बेटा मैक्सिम स्पीड जो भी होता है ओमेगा इंटू एट्यूड ओमेगा इज एनोअर फ्रीक्वेंसी अब एक इंस्टेंट एक टाइम पे वी मैक्स जो भी वेलोसिटी है उस पार्टिकल की वो इससे आधा है तो इस डिस्कशन के बेसिस पे सो वी मैक्स अपॉन टू इज इक्वस टू हम सिर्फ पॉजिटिव कंसिडर करेंगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ओके अब वी मैक्स की वैल्यू कितना है ओमेगा ए अपॉन टू इज इक्वस टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर So, यहाँ पे क्या कैंसिल होगा सो so, यहाँ पे ओमेगा ओमेगा अब ओमेगा कैंसल होने के बाद यहाँ पे ए बायू बच्चा है तो दोनों तरफ दोनों तरफ हम स्क्वायर कर स्क्स टू ए स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय फोर जब इसको सॉल्व करेंगे ओके फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन फोर दट थ्री स्क्वेर अपॉन फोर सो वाई की वैल्यू इतना आ चुका है, तो y की value कितना होगा? जब उस पार्टिकल का वेलोसिटी जो भी है हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी होगा उस वक्त उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है सो रूट थ्री ए अपॉन टू ऑप्शन सी इज करेक्ट फ्रॉम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द एम्पलीट्यूड एंड द पीरियडिक टाइम ऑफ एस एच एम आर फाइव सेंटीमीटर एंड सिक्स रिस्पेक्टिवलीट अ डिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मेन पोजिशन द फेस विल बी ओके सो देखिए यहां पर एक पार्टिकल है जो एस एच एम परफॉर्म कर रहा है Okay, तो जनरली हम मेन पोजीशन से उसको consider करेंगे। अगर हम mean position से consider करते हैं, तो जो भी आएगा साइन ऑफ ओमेगा हमें हमें दिया है एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड ये दोनों चीजें दिए हैं और ये कहा है कि जब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट 2.5 सेंटीमीटर हो चुका है उस वक्त उसका फेस कितना होगा ओके okay. सो so, यहां पे हम इस वैल्यू डाल देते हैं डिस्प्लेसमेंट की सो इट्स अ 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर है इन टू साइन ऑफ ओमेगा टी इसको एज इट इज रखेंगे तो साइन ऑफ ओमेगा टी is equals to 2.5 upon 5 is equals to 1 by 2. अब बेटा साइन ऑफ विच एंगल इज इक्वल टू वन बाई टू होता है सो साइन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू वन बाय टू इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय सिक्स साइन ऑफ थर्टी इज इक्वल टू वन बाय टू होता है ओके फेज इज इक्व टू वन बाई टू तो ये फेज कितना होगा जब हम ये कंपेयर करेंगे इसके साथ तो ओमेगा टी दैट इज अ फेज इज इक्व टू पाई बाय सिक्स तो इस केस में फेज जो भी है इट इज इक्व टू पाई बाय सिक्स होना चाहिए यानी उस पार्टिकल का फेज कितना उसने किया है जब उसका डिस्प्लेसमेंट आधा हुआ है ओके मेन पोजिशन से तो फेज हो चुका है फाइव बाय तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन

और दोनों के इक्वेशन यहाँ पे दिए है फर्स्ट पार्टिकल के इक्वेशन ये है और सेकेंड पार्टिकल का इक्वेशन हमें फेज डिफरेंस जब हम फाइंड आउट करेंगे तो फाइंड आउट करने के लिए हमें दोनों इक्वेशन एक ही फॉर्मेट में लाना है सबसे पहले वो हम कर लेते हैं यहाँ पे सो वाईज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस तो इस इक्वेशन को कॉस के फॉर्म so okay, में लाते हैं सो वाई इज इक्वस टू ए साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा ओके माइनस पाइव बाय टू अब सॉरी इस इक्वेशन को कॉस के फॉर्म में लाना है हमें सो वाई इज इक्वस टू ए कॉस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस अल्फा इतना फेज ऑलरेडी दिया था ओके okay? अब इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं यहां पे देखिए सो so, जब भी एसएचएम मीन पोजिशन से स्टार्ट होता है तो यहां पे हम साइन कंसिडर करते हैं जब भी एसएचएम एक्सट्रीम पोजिशन से स्टार्ट होता है उस वक्त हम कॉस कंसिडर करते हैं अब यहां पे दोनों का फेज सेम है ओके okay? दोनों का फेज सेम है लेकिन ये जो भी एस एच एम है इट स्टार्टेड फ्रॉम दोजीशन और ये क्लियर तो कट दिख रहा है, है so okay? इसमें इस कन्वर्ट कर लेंगे देखिए ये जो भी इक्वेशन ऑफ एस एच एम इट इज फ्रॉम द मेन पोजिशन लेकिन हमें कॉस के फॉर्म में लिखना है तो जब पार्टिकल का मोशन यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां से स्टार्ट होने के बाद जब वो यहां पे आ जाएगा ओके okay, यहां पे आ जाएगा तो उस वक्त जो भी फेज होगा कितने से कम रहेगा तो पाई बाय टू से तो अभी कॉस के फॉर्म में अगर लिखना है तो मुझे यहां से पाई बाय टू इतना सब करना होगा so, ये था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ एस एच एम सेकेंड इक्वेशन को एज इज लिख लेते हैं माइनस अल्फा ओके अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं

ओके okay? तो दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट या इक्वेशन को इक्वेट एक, एक ही फॉर्मेट में लाइए तो आपको फेज डिफरेंस मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन द एम्पलीट्यूड एंड द टाइम पीरियड इन आर एस एच एम इज पॉइंट फाइव सेंटीमीटर एंड पॉइंट फोर सेकंड रेस्पेक्टिवली ये दिया है तो उन्होंने एम्पलीट्यूड और ये दिया है टाइम पीरियड इफ द इनिशियल फेज इज इनिशियल फेज the जो भी है वो पाइबा टू रेडियन इतना हो चुका है या इतना है तो अब जेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो भी हम लिखते हैं दैट इज इक्वस टू वाई इज इक्वस टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइ सो ये जो भी फाय है दिस इज कॉल एज एन इनिशियल फेज Which is also as an okay? इसको हम ए पोच भी कहते हैं अब यहां पे क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं so, कितना है so, की वैल्यू सब्डी कर दिया साइन ऑफ ओमेगा को कैसे लिख सकते हैं टू पाई अपॉन टी सो टू पाए अपॉन टी की वैल्यू दिया है जीरो पॉइंट फोर ओके प्लस इनटू स्मॉल टी प्लस फाइव की वैल्यू कितना दिया है इनिशियल फेस फाइव बाय टू सो पाई टू सो दिस इज इक्वल टू पॉइंट फाइव साइन ऑफ हाँ ये ट्वेंटी अपॉन फोर यानी फाइव सो फाइव पाई इनटू टी प्लस पाई बाय टू सो दिस कैन बी रिटन एज इसको अगर हम फाइव बाई टू को एलिमिनेट करना चाहते हो तो यहाँ पे कॉस लिखना पड़ेगा सो जीरो पॉइंट कॉस पाई टी वाई इज इक्वल टू सो दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है मेरे ख्याल से फोर्थ ऑप्शन इज अ करेक्ट वन इज इक्वल टू पॉइंट फाइव कॉस पाई पाई टी फाइव पाई टी सो दिस इज अ करेक्ट इक्वेशन क्स्ट इक्वेशन नेक्स्ट क्वेश्चन अ पार्टिकल इज आटिंग अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन एक्स टू सेवन टी वेड द पॉइंट मूव फ्रॉम द पोजिशन ऑफ इक्विब्रियम टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ओके सो यहां पर दिया है एक्स इज इक्व टू सेवन कॉस जीरो पॉइंट फाइव पाइट टी और यहां पे ये बोला है कि एक जो भी पार्टिकल है इट मूव फ्रॉम द पोजिशन ऑफ पोजीशन से लेके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक वो मूव कर रहा है मेन पोजिशन दिस वन इज एक्सट्रीम पोजिशन दिस वन इज अगेटिव एक्सट्रीम पोजिशन तो जो भी पार्टिकल है जो एस एच एम कर रहा है इट इज मूविंग फ्रॉम मेन पोजिशन टू एक्सट्रीम पोजिशन अब मेन पोजिशन से एक्सट्रीम पोजिशन तक जाने के लिए कितना वक्त लग रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है अगर एक बार हमें टाइम पीरियड मिल जाता है ओके okay, तो हम इजीली यहां से लेके यहाँ तक जाने के लिए कितना वक्त लगेगा कितना टाइम लगेगा वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं सो so, जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन दिया है उसके बेसिस पे हम यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू सेवन कॉज जीरो पॉइंट फाइव टी इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा ऑफ़ ओमेगा ओके अब जब ओमेगा को कंपेयर करेंगे तो यहां पे ओमेगा इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव पाए ओमेगा को कैसे लिख सकते हैं टू पाए अपॉन कैपिटल टी इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव पाए इस केस में ट कैंसल ओके फाइफ आई गेट कैंसल सो टी की वैल्यू कितना आएगा सो टी इज इक्वल टू टू अपॉन पॉइंट फाइव सो टू अपॉन जीरो पॉइंट फाइव विच इज इक्वल टू फोर सेकेंड तो टाइम पीरियड जो भी लग रहा है इट इज इक्वल टू फोर सेकंड अब यहां पर देखिए मोशन अगर यहां से स्टार्ट होता है और एक्सट्रीम एंड तक जा रहा है फिर एक्सट्रीमेंट से मेन पोजिशन पे मेन पोजिशन से नेगेटिव नेगेटिव पे से फिर पे सो so, इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए जो भी टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड एज ए टाइम पीरियड टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन आइसोलेशन ओके अब यहां पे अगर हम देखते हैं तो चार सेक्शंस है एक्सट्रीम पोजिशन से मेन पोजिशन तक सॉरी मीन से एक्सट्रीम एक्सट्रीम से मीन मीन से निगेटिव एक्सट्रीम निगेटिव एक्सट्रीम से मेन पोजिशन तो चारों सेक्शन सेम है इसलिए यहां से लेके यहां तक जाने के लिए जो भी जो भी भी टाइम लगेगा इट शुड बी टू टी बाय और इक्वेशन दिया है उसके बेसिस पे जो भी टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट किया टाइम पीरियड कितना है फोर सेकंड तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जो भी टाइम लगेगा सो दिस टाइम इज इक्व टू टी बाय फोर एंड फोर बाय फोर इज इक्व टू वन सेकंड तो मीन पोजीशन से लेके यानी इक्विलिब्रियम से लेके ओके okay, इक्विलिब्रियम से लेके पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जाने के लिए यहां पे वन सेकंड लगेगा तो करेक्ट ऑप्शन इज अ सी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अ सिंपल हार्मोनिक ऑसोलेटर हैज एन एम्पलीट्यूड ए एंड टाइम पीरियड इज टी द टाइम रिक्वायर्ड बाय इट

अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो चुका है यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो चुका है ए और यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा माइनस ए निगेटिव साइड अब इनका कहना क्या है इनका कहना है द टाइम रिक्वायर्ड बाय इट टू ट्रैवल फ्रॉम एक्स टू ए टू एक्स टू ए बाई टू यानी यहां से लेके तो ए डिस्टेंस आने तक यानी ए बाय टू इतना डिस्टेंस आने तक कितना वक्त लगेगा वो हमें फाइंड आउट करना है बहुत सिंपल है हम इजिली इक्वेशन लिख सकते हैं तो यहां पे हम इक्वेशन जो भी यूज करेंगे एक्सट्रीम पोजिशन से एस एच एम स्टार्ट हो रहा है वो यूज करेंगे सो so, इक्वेशन क्या आएगा इज़ इक्वल डिसमेंट ए इज एम्पलीट्यूड ओके सो वाई की वैल्यू कितना होगा ए बाई टू इज इक्वस टू ए टी ओके सो गिट कैंसल इज इक्व टू वन बाई टू इज इक्वस टू कॉस ऑफ कॉस ऑफ विच एंगल इज इक्व टू वन बाय टू आंसर इज दट कॉस ऑफ सिक्स मीन फाइव बाई थ्री अब जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ओमेगा टी इज इक्व टू फाइव बाई थ्री अब ओमेगा की वैल्यू टू पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इज इक्व टू पाई बाय थ्री सो पाई पाई गेट कैंसल सो कैपिटल टी की वैल्यू कितना आएगा या स्मॉल टी की वैल्यू कितना आएगा इसके बेसिस पे सो स्मॉल टी इज इक्वस टू सो टी अपॉन सिक्स कैपिटल टी अपॉन सिक्स सो एक्सट्रीम पोजिशन से, so, 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 से लेके यहां तक आने के लिए जो भी टाइम लगेगा उस पार्टिकल को सो इट्स अ टी सिक्स ऑप्शन ए इज वन नेक्स्ट क्वेश्चन द फेस एट टाइम टी ऑफ अ पार्टिकल इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन टेल्स ओनली द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी ओनली द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी

तो यहां पे अगर हम एक पाथ कंसिडर करते हैं दिस वन इज अ मेन पोजिशन दिस वन इज एक्सट्रीम पोजिशन जिसको हम ई e से रिप्रेजेंट करेंगे और ये निगेटिव साइड एक्सट्रीम पोजिशन अब मान के चलिए एक पार्टिकल है उसका एस एच एम जो भी है वो मेन पोजिशन से स्टार्ट हो चुका है अब मेन पोजिशन से स्टार्ट होने के बाद जैसे जैसे वो इस साइड जाएगा तो उसका फेज की वैल्यू बढ़ते जाएगा जब वो पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा तो फेज की वैल्यू होगा 90 डिग्री दैट इज अ पाई बाय जब यहां से वो रिटर्न आएगा ओके यहां से रिटर्न आएगा तो फेज की वैल्यू और बढ़ते जाएगा अब मान के चलिए कि पार्टिकल जो भी है वो इस पॉइंट तक पहुंचा है अब पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ था जब वो यहां पे आएगा उस वक्त फेज की वैल्यू 90 डिग्री होगा लेकिन फिलहाल 90 डिग्री से पहले हम एक पोजिशन कंसिडर करते कि पार्टिकल यहां तक पहुंचा जब वो यहां तक पहुंचा तो फेस की वैल्यू हम कंसिडर करेंगे कि डिग्री हो चुका है ओके एटी डिग्री हो चुका है अब इस 80 डिग्री पे हमें एग्जैक्टली exactly उसका पोजीशन तो पता चल रहा है पोजीशन तो पता चल रहा है और डायरेक्शन भी हम ये कह सकते कि वो पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है ओके okay? अब जब पार्टिकल यहां पे जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा फिर वापस वो अगर रिटर्न आते वक्त यही पे आता है इसी पोजीशन पे तो उस वक्त जो वे फेज बनेगा इट इज इक्वल्स टू 100 डिग्री यहां से लेके यहां तक 90 प्लीज फिर वापस आते वक्त 10 डिग्री यानी टोटल कितना हो गया फेज 100 डिग्री पहले कितना था 80 डिग्री अब देखिए ध्यान से जब वो 80 डिग्री पे था तो पोजिशन हमें पता चला जब वो 100 डिग्री पे आ गया उस वक्त भी पोजिशन वही है लेकिन 80 डिग्री जब है तो पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सट्रीमेंट ओके जब वो 100 डिग्री पे आ गया तो पोजिशन भले ही वो है लेकिन पार्टिकल का मोशन जो भी है इट इज टूवर्ड्स द मेन पोजिशन डायरेक्शन जो भी है मेन पोजिशन तो हमें फेज जो भी है उस पार्टिकल का वो पोजिशन तो दे ही रहा है इस दोनों केस में अलग अलग फेज है लेकिन पोजिशन सेम है तो पोजिशन दे रहा है साथ ही साथ वो फेज हमें यहां पर डायरेक्शन भी देगा ओके सो देर फॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट वन जो भी फेज होता है पार्टिकल का एस एच एम में ओके okay? तो उसका फेज जो भी होगा वो पोजिशन भी देगा और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी देगा नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक दिस इज लास्ट क्वेश्चन

अ अ मेन दिस वन एक्सट्रीम पोजिशन यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो भी है वो ए हो जाएगा और यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो भी है वो माइनस ए हो जाएगा अब इनका कहना क्या है देखिए द शॉर्टेस्ट टाइम इट टेक्स टू रीच अ पॉइंट ए अपॉन रूट टू फ्रॉम द मेन पोजिशन सो उसका मोशन हम स्टार्ट करवाएंगे मेन पोजिशन से यहाँ से उसका मोशन स्टार्ट हो रहा है ओके okay, यहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है तो यहां से लेके यहां तक आने के लिए ये जो भी है कितना हो हो चुका है? So, A 2, इतना हो चुका है है सो सो अपॉन इतना इतने होने के लिए कितना टाइम लगेगा वो हमें फाइंड आउट करना है अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि एस एच एम इक्वेशन ऑफ मोशन होगा दैट इज इक्व टू ई इज इक्वस टू ए साइन ओमेगा टी ओके अब वाई की वैल्यू हम सब करेंगे A by 2, क्योंकि displacement कितना ए बाय टू सो ए अपॉन रूट टू इज इक्वस टू ए साइन ऑफ फिलहाल ओमेगा टी इतना लिख लेते हैं सो यर ए ए गेट कैंसल तो साइन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टू इज इक्व साइन ऑफ विच एंगल बाय फोर जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो वी विल गेट हियर ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाय फोर ओमेगा को कैसे लिख सकते हैं टू पाए अपॉन कैपिटल टी इन स्मॉल टी इज इक्वस टू पाई बाय फोर सो पाई बाय फाइव कैंसल हियर यहाँ पे टी की वैल्यू स्मॉल टी की वैल्यू क्या होगा सो स्मॉल टी स्मॉल टी इज इक्वस टू कैपिटल टी अपॉन एट कैपिटल टी अपॉन एट सो इतना टाइम लगेगा फिर कैपिटल टी इज अ टाइम पीरियड सो कैपिटल टी अपॉन एट इतना टाइम लगेगा उस पार्टिकल को मीन पोजिशन से लेके इस ए बाय ए अपॉन रूट टू पोजिशन तक आने के लिए ओके सो कैपिटल टी अपॉन एट ऑप्शन सी इज करेक्ट वन तो ये था डिस्कशन अबाउट हाउ टू सॉल्व एम सी क्यूज या पी बाय क्यूज ओके सो जब हम एम सी क्यूज को सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर होता है अब सबसे पहले आपको क्या करना है आने वाले दिनों में हम ऐसे ही एम हर पॉइंट के ऊपर हर चैप्टर में जितने भी पॉइंट्स आते हैं उसके ऊपर हम 10 या 20 एमसी क्यू सॉल्व करते जाएंगे आपको करना क्या है जैसे वीडियो में क्वेश्चन डिस्प्ले होता है तो क्वेश्चन को पॉज करना है उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व करना है ओके फिर मैं किस मित्र से सॉल्व कर रहा हूं वो देखना है अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपका नीट या जेडब्ल्यू का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा चाहे आप एम एच सी टी की रिजल्ट प्रिपरेशन uh, कर रहे हो या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आने वाले दिनों में बहुत बहुत सारे एम इस वीडियो ऐसे वीडियो के माध्यम से सॉल्व करते रहूंगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और दस क्वेश्चन लेके इसी टॉपिक के ऊपर ओके तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच बाय बाय